एमएनएस न्यूज लाइव देखते हैं आज की ताजा खबर। आज भी डॉक्टर हड़ताल पर 400 से अधिक डॉक्टर ने दिया इस्तीफा। ममता ने बिना शर्म मांगी माफी। पश्चिम बंगाल में राजनीति हिंसा के बाद अब डॉक्टरों के हड़ताल से बंगाल में उथल पुथल मच गया है। वहाँ सरकार और डॉक्टर में तनातनी के बीच में स्वास्थ्य संकट बढ़ता जा रहा है। राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के 400 से अधिक डॉक्टर ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है, जिससे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। यहाँ हड़ताल लगातार बढ़ता जा रहा है। बंगाल में शुरू हुई हड़ताल महाराष्ट्र समेत देश के अलग अलग राज्यों तक पहुँच गयी है। पश्चिम बंगाल में आंदोलनरत डॉक्टर के प्रति एकजुटता जताते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 3 दिन तक राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के साथ सोमवार को 17 जून को हड़ताल का ऐलान किया है। देश में डॉक्टरों के एक शिष्य संस्था ने इंसल्ट और डॉक्टर के खिलाफ हिंसा पर नियंत्रण के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने की मांग से आगे आते हुए कहा कि इस कानून का उल्लंघन करने वाला को 7 साल की सजा प्रावधान होनी चाहिए। आईएमए ने यह भी कहा है कि शुक्रवार से शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन शनिवार और रविवार को भी जारी रहेगा। इसमें डॉक्टरों ने काले रंग के बिल्ले लगाए और धरना देने के अलावा शांति मार्च निकालेंगे। बंगाल में डॉक्टर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माफी की जिद पर अड़े हैं, जिन्होंने डॉक्टर को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वे काम पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि बाहरी लोग यहाँ गड़बड़ी फैला रहे हैं, जिसे वे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। डॉक्टरों का कहना है कि वे बाहरी नहीं है बल्कि अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर आंदोलन पर उतरे हैं। डॉक्टर के इस हड़ताल पर अब राजनीति भी शुरू हो गई। कोलकाता में मेयर फिरफाद हकीम की बेटी शबा हकीम और कांग्रेस नेता काकली घोष दस्तीदार के बेटे वेदनाथ घोष दस्तीदार भी हड़ताल डॉक्टरों का साथ दे रहे हैं। इसके पहले बीते दिनों में टीएमसी और भाजपा के तरह से भी राजनीति बयान सामने आए थे। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।